चलो 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 हेलो बाय तो बोलो टाटा फिर मिलेंगे परसों तो स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में मेरा नाम नितेश गल्ला है एंड वाचिंग नितेश गल्ला ब्लॉग टाटा टाटा फिर मिलेंगे परसों तो भी जा रहे हैं दीदी के ससुराल दीदी को छोड़ने के लिए हाँ रे दीदी को छोड़ने जा रहा हूँ मैं अकेले यहाँ से चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ से जाना है हमने चमोली लगा लो आप चमोली तो नहीं जाना लेकिन चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहीं जाना है तो ये फौज अभी मार्केट से जाएगी क्योंकि बैग बुक ले जाने हैं अभी जा रहे हैं मार्केट तक फाइनली पहुंच चुके हैं ससुराल में थके हारे हुए बड़ी मुश्किल से गाड़ियां मिल रही हैं इलेक्शन का टाइम है अभी चलते थोड़ा फ्रेश होते हैं उसके बाद आपको मिलते हैं ऐसे आज तो ब्लॉग भी नहीं हुआ कुछ और ये बद्रीनाथ हाईवे 70-80 किलोमीटर यहाँ से बद्रीनाथ है जाएंगे कभी फ्यूचर में तो आज है डे टू तो अभी हमें पीपल मोड तो अभी हमें अरे गुलाब गोड पीपल गोड तो अभी खड़े हुए हम पीपल गोड के मार्केट में यहाँ से मेरे को जाना दूसरे सिस्टर के यहाँ पे अभी इसके यहाँ से आए गडोरा से और अभी जाना हमें गुलाब कोटी लेकिन यहाँ पे जो है गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं गाड़ियों को हाथ दे के थक गए हैं क्योंकि सारी गाड़ियाँ इलेक्शन में लगी हुई हैं तो बसें भी फुल होके आ रही हैं जगह ही नहीं मिल रही है अभी पता नहीं अब कहाँ से और पता नहीं कैसे गुलाब कुटी जाया जाएगा और कैसे गुलाब कुटी से घर गाड़ी आ रही है इसको हाथ देते हैं देखते क्या होता है ये देख भी नहीं रहे हैं कोई उनके पास सवारी है कोई रुकने का नाम ले रहा है प्राइवेट गाड़ी वाला कोई रुकेगा नहीं तो अभी टाइम दिन के 1 बज रहे हैं और मैं निकला था सिस्टर के यहाँ से वहाँ दोनों सिस्टर की शादी यहीं पे हो रखी है चमोली में तो जो निधि थी उसको मैंने गडोरा में छोड़ दिया क्योंकि उसका ससुराल वहीं पे है और जो नया है छोटी वाली सिस्टर है उसका ससुराल थोड़ा आगे है 20-22 किलोमीटर आगे तो यहाँ में एक ही बार आया था वो भी शादी में वो भी रात में आया था अंधेरे में तो मेरा कुछ आइडिया नहीं है कहाँ जाना है वो फोन करके तो बता रही है कि यहीं है सही रास्ते पर यहाँ से थोड़ा पैदल है गाड़ियाँ यहाँ से ऊपर जाने के लिए मिलती नहीं है क्योंकि पर्सनल गाड़ी होगी तो तभी जाएगी नहीं तो कोई गाड़ियाँ लगी नहीं रहती है सारा जो है रोड टूटी हुई यहाँ पे देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचा जाता है धीरे धीरे चलते हैं
बस मैं जो है कि ऐसे खुना नहीं चाहिए इधर उधर, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये नीचे वाला हाईवे जो है ये बद्रीनाथ का हाईवे है, ऐसे रोड जाती है सीधा बद्रीनाथ ओली जोशीमठ आपको जहाँ भी जाना है। और मैं यहाँ ऊपर वाली रोड पे, मेरे को लग रहा है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा है क्योंकि ये मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा। जिस दिन आए थे उस दिन कुछ और ही था, आज कुछ और ही पता चला, किसी दूसरे गांव में घुस गया मैं। लेकिन देखते हैं समझते हैं क्या होता है, फिर आपको दिखाते हैं सही रास्ते पे या गलत रास्ते पे हैं। हो हाँ पता गई पैदल चलते चलते, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं रहती हैं इस पर, इनका कुछ टाइम टेबल रहता होगा चलने का, उसी टाइम पे चलती होंगी। और इलेक्शन का टाइम भी है तो गाड़ियाँ मिलनी थोड़ा मुश्किल हो जा रही हैं। अभी 2:11 बजे से 1 बजे मेरे को गाड़ी मिली, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है गाड़ियों की। और कल मेरे को 13 तारीख घर भी निकलना है, क्योंकि 14 तारीख को इलेक्शन है, मेरे को वोट देने घर जाना है। पता नहीं मैं कैसे निकलूँगा, अगर ऐसी हालत रही गाड़ियाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी कोई पता नहीं, पता नहीं मैं कहाँ रहूँगा रात को। अगर गाड़ियाँ नहीं मिली तो, अगर गाड़ियाँ मिल जाएगी तो सीधे घर निकल जाऊँगा। कल देखते हैं, वो तो आपको अगले ब्लॉग में पता चल ही जाएगा, लेकिन पहले इस ब्लॉग का समझते हैं कैसे जाया जाएगा, किसके यहाँ पे जाया जाएगा। यहाँ से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, यहाँ से पहाड़ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये देख लीजिए इतने बड़े बड़े पहाड़ है सामने पे, और इन्हीं पहाड़ों पे घर भी है। पता नहीं क्या होगा भैया, कितने ऊपर ऊपर हैं, और यहाँ रात को जो कि लाइटें भी चमकती हैं, इतने ऊपर ऊपर घर हैं यहाँ पे लोगों के, यहाँ ऊपर तक घर ही गए हुए हैं। रात को दिखाऊंगा मैं आपको फ़ोन से, अभी थोड़ा अपनी लोकेशन ढूंढते हैं फिर मिलते हैं आपको। बांदर एक कैमरा पकड़ो तो नहीं पकड़ पाएगी। जो लगो जो लगो जो महंगा है वो, महंगा है फूट जाएगा। वाह बंद छिवायो मलियो ये पता कुछ नहीं दिखे ना माउंट ओ डब्रो डब्रो ना ओ डब्रो। तो अभी यहाँ पे बोर रहे थे, खाना खुना मैंने खा दिया है, सूर्यास्त भी हो ही गया है लगभग। तो यहाँ बैडमिंटन खेल रहे हैं थोड़ा, आप ये देख लीजिए तो अभी जो कि अंधेरा हो गया है, अब टाइम का दिखो नहीं, टाइम बज गया 6:30 घंटा मैंने अच्छा टाइम पास किया मैंने, हो गया और काना ने हो गया, ये पड़ोसी है यहीं का,
इसका भी टाइम पास और मेरा भी टाइम पास, लेते भी कर इसको भी कर, लेते भी कर। अरे रात की सब्जी की तैयारी शुरू हो गई है, लाइट थोड़ा कम है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। तो जो कि ये नॉर्मल गांव है जो कि रोड के पास में है, अभी दिखा दो आपको यहाँ ऊपर जिसको मैं दिन में दिखा रहा था आपको, यहाँ ऊपर कुछ लाइटें दिखाई दे रही हैं, एकदम टॉप पे इसके ऊपर सीधे आसमान है, मतलब लास्ट टॉप पे ये यहाँ घर बने हुए हैं। पहले यहाँ पर रोड नहीं थी, अभी यहाँ रोड का काम चल रहा है, अभी अभी पूरी बनी नहीं है, रोड का काम अभी चल ही रहा है यहाँ पर। और ये इतने लोग बसे हुए हैं यहाँ ऊपर भाई साहब, और ये यहाँ भी, यहाँ भी टॉप पे ऊपर, इसके ऊपर सीधे ये चांद है, आपको दिखाई नहीं देगा अंधेरे में, लेकिन ये ऊपर टॉप पे सीधे